रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी का नाम लेते ही धड़कने लगता है अपराधियों का दिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे अब उत्तर प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश भी गुंडे वर्दी पर भारी पड़ते थे, आज वर्दीधारी उन गुंडों पर भारी है, क्योंकि सरकार ने अपराधियों की 18,600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अपराधियों का मनोबल तोड़ना और सज्जनों का मनोबल बढ़ाना ये सत्ता का धर्म है और सीएम योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं। राजनाथ सिंह शुक्रवार को महाराजगंज के चौक बाजार स्थित गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में राष्ट्र संत गौरक्षा पीठाधीश्वर ब्रह्मकालीन महंत अवैधनाथ की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ओवैसी का प्रयागराज दौरा, कल पोस्टर में साथ दिखे अतीक अहमद। ऑल इंडिया मजलिस तहदुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष तहदुल ओवैसी शनिवार को प्रयागराज आ रहे हैं। ओवैसी के प्रयागराज दौरे से पहले ही उनका पोस्टर वायरल हो गया। प्रयागराज में होने वाली रैली के लिए जारी पोस्टर में बाहुबली नेता अतीक अहमद भी दिख रहे हैं। AIMIM की ओर से जारी इस पोस्टर के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी की नैया अब बाहुबली अतीक अहमद पार लगाएंगे। बता दें कि हाल ही में अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में AIMIM में शामिल हुई थी। कुछ दिन पहले ओवैसी ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी को चुनाव में टिकट देकर मनचाही सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री की काशी से प्रियंका करेंगी चुनावी आगाज, निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने 2 अक्टूबर का दिन और शहर वाराणसी चुना है। रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी की रैली आयोजित की गई, जिसके बाद वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। पर रैली 7 तारीख से प्रतिज्ञा यात्रा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। संगठन चूल्हे कसने के लिए लगातार कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का चुनाव 2 अक्टूबर के विशेष दिन पर किया गया है। बीजेपी ने बनाई अहम रणनीति, अनुराग ठाकुर को दिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पिछले 3 दिन से बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान में डेरा जमाए बैठे हैं लखनऊ में और लगातार प्रभारी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर एक रोड मैप तैयार किया है। इसी को लेकर पार्टी ने प्रभारी और सह प्रभारियों को रोड मैप तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। चुनाव अभियान की तैयारियों को देखने के लिए पार्टी ने पहले क्षेत्रवार प्रभारियों की घोषणा की थी और अब चुनाव सह प्रभारियों को क्षेत्रवार चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। सपा का दामन थामेंगे BSP से निष्कासित लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, अखिलेश से करेगी मुलाकात। यूपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बसपा से निकाले गए 2 बड़े नेता लालजी वर्मा और रामअचल राजभर अगले महीने सपा का दामन थामेंगे। दरअसल लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने सपा प्रमुख और पूर्व CM अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि दोनों नेता जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, योगी होंगे CM का चेहरा। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को गोरखपुर में इसका ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपना दल और निषाद पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी गठबंधन 2022 के चुनाव में 2017 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं CM योगी, गोरखपुर में बोले CM, अयोध्या मेरे घर जैसा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही मिशन 2022 की तैयारी में जुट गई है। वहीं भाजपा ने पूरी तरह चुनावी झोंकते हुए एक सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा सकता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और चेहरे के साथ लड़ेगी। वहीं CM योगी खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे, अब तक चल रहे इस पर संशय के बीच संकेत मिलने लगे हैं। शुक्रवार को गोरखपुर के गोरखनाथ में योगी ने इस बात के संकेत दिए कि वे आगामी विधानसभा चुनाव अयोध्या से लड़ सकते। योगी सरकार का आप पर निशाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा 4 साल में 378 नौकरी देने वाले ने देखे यूपी के ख्वाब।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आप सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोविड की मुश्किलें वक्त में मेडिकल उपकरण खरीद घोटाला करने वाले दिल्ली सरकार के नेता उत्तर प्रदेश पर दाग नहीं लगा पाएंगे। दिल्ली को पानी के लिए तरसाने वाले केजरीवाल सरकार के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने पूछा कि आपने झूठे आरोप के लिए संजय सिंह कोर्ट में कब हाजिर होंगे। केंद्र की जाति जनगणना से पल्ला झाड़ने पर मायावती हमलावर, बोली पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना न करवाना बसपा सुप्रीमो। मायावती ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया है। मायावती ने इसे लेकर ही केंद्र पर निशाना साधा है। शुक्रवार को बसपा प्रमुख ने कहा कि साफ तौर पर इनकार कर देना अति गंभीर व अति चिंतनीय मामला है। ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के चुनावी स्वार्थ को ओबीसी राजनीति का इससे पर्दा भी फाश हो गया है। भाजपा सरकार से सजग रहने की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास के नारे के बीच क्या है बीजेपी की कास्ट पॉलिटिक्स, जानिए छोटे दलों की अहमियत। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम को लेकर हलचल दिखाई पड़ने लगी है। दलों में आपसी सियासी जोड़ तोड़ का जोर दिखने लगा है। बीजेपी के लिए इस चुनाव में छोटे दलों की अहमियत काफी बढ़ गई है। दलों में आपसी सियासी जोड़ तोड़ का जोर दिखाई देने लगा है। यूपी चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, समझौते के तहत सम्मानजनक सीटें होंगी, ऐसा दावा केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्वर्ण आधार है, एक मतदाता आधार है, तो दूसरी तरफ जिसे विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। तो ये थे आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।